नैनीताल के मलवा ताल और पिनरो गांव में कर्फ्यू जैसे हालात, घरों के अंदर कैद हुए लोग, शासन प्रशासन ने स्कूल बंद करने के दिए आदेश। स्कूल जा रहा है और स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्कूल कब खुलेंगे ये भी पता नहीं है। नैनीताल जिले के मलवा ताल और पिनरो गांव में आजकल कर्फ्यू जैसे हालात हैं। क्षेत्र के सभी स्कूलों को अगले कुछ दिनों के लिए बंद करने का निर्देश दिए गए हैं। जहां के ग्रामीण रोजमर्रा के कामों के लिए घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों और किस वजह से है, जानिए इस रिपोर्ट में। नैनीताल वन प्रभाग के पिनरो और मलवा ताल समेत अनेक गांव में पिछले एक हफ्ते से गुलदार की दहशत बरकरार है। गुलदार अब तक दो महिलाओं को अपना निवाला बना चुके हैं और अलग अलग हिस्सों में गुलदार के मूवमेंट की खबरें मिल रही हैं। ग्रामीणों के आक्रोश के बाद जन विभाग की 6 से 7 टीमें गुलदार को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। 10 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं। इतनी ही नहीं, गुलदार की लोकेशन को जानने के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। गांव के अलग अलग हिस्से में 2-3 पिंजरे लगाए गए हैं। वन विभाग की अलग अलग टीमें जंगल के अनेक हिस्सों की खाक छान रही हैं। बावजूद इसके गुलदार वन विभाग की पकड़ से कहीं बाहर है। जी, हमारी वन प्रभाग की टीम अन्य वन प्रभागों से भी टीम बुलाई गई है और वो निरंतर विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न गांवों में, जो भी आसपास की संवेदनशील गांव हैं उनमें अपनी कार्यवाही में जुटी हुई हैं। दिन रात मेहनत कर रही हैं और हमने पर्याप्त मात्रा में पिंजरे लगा दिए गए हैं और जगह जगह पर जो है तो कैमरा ट्रैप। गुलदार के हमले में दो महिलाओं की मौत के बाद पिनरो और मलवा ताल गांव में कर्फ्यू जैसे हालात हैं। गुलदार के खतरे को भांपते हुए यहां के स्कूलों को आगामी कुछ दिनों के लिए प्रशासन ने बंद करने के निर्देश दिए हैं। इसलिए कि गुलदार आया है और स्कूलों में छुट्टियां हैं, स्कूल कब खुलेंगे ये भी पता नहीं है। और कितने, कौन सी क्लास है तुम्हारी, कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तुम्हारे साथ? 75 बच्चे पढ़ते हैं। कल भी आया था हमारे वहाँ, आज कल भी आया था, परसों भी आया था, एक महिला भी मारी है गुलदार ने, कभी भी झपट जा रहा है। ग्रामीणों से अकेले में घर से बाहर न निकलने की अपील की गई है। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो महिलाएं घर के कामकाज के लिए जंगल जाती थी वो अब घर में कैद नजर आ रही हैं। महिलाओं के मुताबिक 20 साल में पहली बार गुलदार का ऐसा खतरा देखने को मिल रहा है। दिक्कत, सब दिक्कतें हैं, यहाँ से इधर उधर नहीं जा रहे हैं हम, वहाँ पर से नीचे दुकान में जा रहे हैं, बस यहाँ पर हो रहे हैं, बस इतना ही जा रहे हैं। आज से पहले भी कभी? कभी आज तक नहीं हुआ, अभी 20 साल मेरे को भी हुए, 20 साल बाद मैंने यहाँ नहीं दिखा, पहली बार हो रहा है ऐसा। तो डर के मारे बिल्कुल भय हो गया है, कहीं जाना मुश्किल हो गया है। अब वही औरत फौत हुई है, वहीं जाना मुश्किल हो गया है। अब यह तो संग साथ हो, क्यों अब अकेले में तो आप भी, आप बरानी ठहरी हो तो भी डरेगी ना। इस वक्त गांव में कैसे हालात हैं, इसको जानने के लिए हमारे संवाददाता तारा जोशी पिनरो गांव पहुंचे, देखिए रिपोर्ट। भीमताल क्षेत्र के मलवा ताल और पिनरो गांव में गुलदार का आतंक है और गुलदार के जो हमले हुए हैं उसमें दो महिलाओं की अब तक मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से क्षेत्र के जो स्कूल हैं उन्हें बंद करने के आदेश हुए हैं। जब तक गुलदार पकड़ा नहीं जाता तब तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी, ये आदेश प्रशासन की तरफ से जारी हुआ है। जो ग्रामीण हैं वो अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जो कामकाजी लोग हैं वो घरों काम अपने काम के लिए नहीं निकल पा रहे हैं, महिलाएं जो जानवरों के लिए चारा वगैरह लेने के लिए निकलती थी वो नहीं निकल पा रही हैं, बच्चों के स्कूल बंद हैं, जिसको लेकर ग्रामीण खासे परेशान हैं। उनके जो मन में गुलदार का इतना खौफ है यहाँ पर, क्योंकि 4 दिन के अंदर 2 महिलाओं को गुलदार ने यहाँ पर मार डाला। वन विभाग की जो टीमें हैं वो 6 से 7 टीमें इस समय गुलदार को ट्रैप करने के लिए लगी हुई हैं। ड्रोन कैमरे की मदद यहाँ पर ली जा रही है, 10 ट्रैप कैमरे भी जगह जगह पर लगाए गए हैं ताकि गुलदार की जो मूवमेंट है उसको कैप्चर किया जा सके। और वन विभाग की टीम चप्पे चप्पे पर गुलदार को पकड़ने के लिए यहाँ पर कोशिश कर रही है। गुलदार को जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है कि गुलदार की एक झलक यहाँ पर दिखी है तो टीमें उधर की तरफ रवाना हो जाती हैं। तो आसपास के लगे हुए जितने गांव हैं इस पर वन विभाग की जो टीमें हैं वो यहाँ पर सर्च अभियान में लगी हुई हैं ताकि गुलदार को कब्जे में किया जा सके। भीमताल के पिनरो गांव से तारा जोशी, पंजाब केसरी टीवी।